हेलो सर्वे इंजीनियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वे सोसाइटी। आज इस वीडियो में रोड फंक्शन के बारे में जानेंगे, रोड फंक्शन में पैराबोला। इससे पहले रोड फंक्शन का कई सारा वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, मशीन को रिसेक्शन करना पड़ेगा आपको। इससे पहले आप मेनू में लास्ट में आना है, लास्ट सेकेंड लास्ट में रोड पहले ऑक्यूपाइड ओरिएंटेशन कर लीजिए। आज रिसेक्शन में करेंगे, बेसिकली मैं रिसेक्शन में करता हूँ। चाहे तो आप दूसरी मेथड से भी बैकसेट कर सकते हो। रिसेक्शन ENZ स्टिंग नॉर्थ इंजीनाथ एंटर। फर्स्ट पॉइंट मेजर कर लेता हूँ। मेजर मैनुअली कोऑर्डिनेटिव कर लेता हूँ मैं। सेकंड पॉइंट मेजर करके मैनुअली उस कोऑर्डिनेट को डाल देता हूँ। कैलकुलेशन रिजल्ट लगभग बैक साइड हो गया है। फिर आपको आना है पैराबोला में। आज इस वीडियो में पैराबोला के बारे में जानेंगे। पैराबोला के बारे में जानने से पहले आपको BTC, BCC और ECC और ETC का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। BTC मीन्स बिगेनिंग ऑफ ट्रांसिशन कर्व और BCC का फुल फॉर्म बिगेनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। पहले BTC और BCC कैलकुलेशन करेंगे, देन एंटर। तो इसमें दिखा रहा है पैराबोला /BTC PT, यानी जहाँ से आपका पैराबोला का शुरू होगा, बिगेनिंग यानी स्टार्टिंग जो पॉइंट है, बिगेनिंग ऑफ ट्रांसिशन कर्व, उसी का कोऑर्डिनेट डालना है, देन ओके। फिर पैराबोला IP जो पिछली वीडियो में दिखाया था मैं, कई वीडियो में IP का फुल फॉर्म है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कार्ब पैराबोला का कैलकुलेशन करने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत ज़रूरी है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी मैं इसमें लोड है, इसको मैं डाल देता हूँ। अब डायरेक्शन आपका जो आपका पैराबोला क्रिएट होगा वो राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, अब देख सकते हैं। वहाँ से मेरा 0 चेंज शुरू होता है। रोड नंबर 1 है ये, इंटरचेंज 4, ये यमुना एक्सप्रेसवे है, तो यहाँ से कनेक्ट होगा, तो ये एक पूरा इंटरचेंज है। तो इसी को मैं पैराबोला के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। ये आरिवल के लिए PCC हुआ है, देख सकते हैं इधर ऑलरेडी आरिवल स्टेब्लिश किया हुआ है। आज पैराबोला फंक्शन के माध्यम से बताएंगे, इसको पॉइंट दे सकते हैं, स्टेक आउट कर सकते हैं पैराबोला में BTC और BCC में। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। बाय द वे, डायरेक्शन लेफ्ट साइड है पैरा एक्स, और रेडियस इसका है 411। स्टेशनिंग आप देख सकते हो, ऑफसेट भी देख सकते हो, स्टेशनिंग 10-10 मीटर में, सेम जो पिछली वीडियो में दिखाया था सेम डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। तो एशो में क्लिक करेंगे तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेट का वो पॉइंट दिख जाएगा, और सेंटरिंग करेंगे तो ऑफसेट तो 0 रखी है, और इसको कर दीजिए 0 यानी स्टार्टिंग हो गया था। फिर इसको अगर 10 देंगे तो 10 मीटर का एसओ, तो 10 मीटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देन बैक, फिर स्टेशनिंग, इसको कर दीजिए 20, फिर एंटर ओके, फिर ओके, तो 20 मीटर का हो गया। फिर बैक सेंटरिंग, मान चलिए 40 मान के लीजिए, मैं 40 करता हूँ, फिर ओके, फिर एसओ, फिर ओके, तो पॉइंट आ गया। अगर आपका कोई ऑफसेट देना है तो विड्थ में क्लिक करिए, मैं लेफ्ट साइड में देना चाहता हूँ तो माइनस कर दीजिए 1 मीटर, कोई भी आप ऑफसेट दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग। अगर कुछ नहीं देंगे, जस्ट 2 मीटर या 1 मीटर देंगे, तो ये राइट साइड का हो जाएगा। स्टेशनिंग 40 मीटर का जो स्टेशन पॉइंट है आपका, जहाँ से आपका बिगिनिंग ऑफ ट्रांसिशन हो रहा है, शुरू हो रहा है, वहाँ से हो जाएगा। फिर ओके, फिर एशो, फिर ओके। तो यही था वीडियो, इसको मैं पेपर में दिखा दूंगा तो आपको थोड़ा इजी समझ आ जाएगा। जो मशीन में दिखाया था, ये एक रोड है, यहाँ से कार्व शुरू हो रहा है, तो ये हो गया अपना पॉइंट बिगिनिंग ऑफ ट्रांसिशन कर्व BTC, और ये IP इंटरसेक्शन पॉइंट था आपका, कहाँ भी हो सकता है। तो इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट डाला था, ये जो कर्व हो रहा था इसका पैराबोला में निकाल के रखा था, तो पैराबोला में एंटर कर दिया था। चाहे तो आपको इसमें ऑफसेट दे सकते हो, मैं 10-10 मीटर इंटरवल में पॉइंट दिया था, 10-10 इंटरवल में, चाहे आप 20 मीटर में भी दे सकते हो। ये अपना BP पॉइंट है। फिर यहाँ से जो शुरू होता है एक और कार्व टाइप का, ये जो ये पॉइंट आता है इसको BCC बोल सकते हैं,
बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व, यानी बिगिनिंग कहाँ से सर्कुलर कर्व शुरू हो रहा है, ये पॉइंट हो गया BCC। यही था मेनली वीडियो। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, कोई भी एक लाइन पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा आपके पास, फिर BTC जहाँ से कर्व शुरू हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ ट्रांसिशन कर्व, और जो सर्कुलर कर्व है वो भी दे सकते हैं, यानी इसी के अकॉर्डिंग एक कर्व शुरू हो रहा है, एक कर्व मार्क कर रहा है इसी के अकॉर्डिंग। उसमें आप पैराबोला भी दे सकते हैं, रेडियस भी दे सकते हैं, कौन सी साइड हो रहा है वो भी हो सकता है। ये LHS साइड था जो मशीन में आपको दिखाया था। तो यही था पेपर वर्क में।